वो चार चमचे बैठा देते हैं और फिर वो सवाल पूछते हैं, मोदी जी एक बात बताइए, आप आम कैसे खाते हो? मैं बाकी हिंदुस्तान जैसे मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। शाम के 8 बजे आती है या सुबह 7 बजे आती है या फिर पूरे दिन चलती है, अलग अलग बीमारियां होती हैं। उन्होंने कहा और चमचे कहते हैं वाह 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 वाह, कमाल की बात बोली, कमाल की बात बोली, क्या बोला क्या बोला। आजकल नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू चल रहे हैं, देखे होंगे आपने, वो चार चमचे बैठा देते हैं और फिर वो सवाल पूछते हैं, मोदी जी एक बात बताइए, आप आम कैसे खाते हो? आप क्या उसको छील के खाते हो या चूस के खाते हो? मोदी जी जवाब देते हैं, पता नहीं, सब कुछ अपने आप होता है। मैं बाकी हिंदुस्तान जैसे मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, बाकी हिंदुस्तान खेती करता है, मेहनत करता है, मुझे तो परमात्मा गाइड करते हैं। मैं हिंदुस्तान में एक ऐसा व्यक्ति हूं अकेला जिसका डायरेक्ट परमात्मा के साथ कनेक्शन है। उन्होंने कहा और चमचे कहते हैं वाह 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 वाह, कमाल की बात बोली, कमाल की बात बोली, क्या बोला क्या बोला। मतलब एक व्यक्ति जिसको डायरेक्ट परमात्मा के साथ कनेक्शन है उसको इसकी क्या जरूरत है, वो तो डायरेक्ट बात कर रहे हैं। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मैं सोच रहा हूं कि भाई इनके हाथ में तो परमाणु बम है। और मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी जो ये आपको फीलिंग आती है, क्या ये सुबह आती है, शाम को आती है या 24 घंटे आती है? मतलब ये पीरियोडिकली आती है, जैसे शाम के 8 बजे आती है या सुबह 7 बजे आती है या फिर पूरे दिन चलती है, अलग अलग बीमारियां होती हैं, कोई शाम को आती है कोई सुबह लगती है। तो ये मैं पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी आप अकेले हैं, आप डायरेक्ट भगवान से बात कर रहे हो, अच्छा अगर एक दिन सुक्कू जी मेरे पास आए बंद कमरे में, मुझे कह दें कि राहुल जी मेरा डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन है, मैं उनसे कहूंगा सुक्कू जी ये सब ठीक है, हिमाचल की जनता को बाहर जाके मत बोल देना, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी,